आपका स्वागत है। आज हमारे साथ क्रांतिकारी बलविंदर सिंह हैं। जहाँ भी बहुजन समाज की बात होती है वहाँ पर तुरंत खड़े नजर आते हैं। बलविंदर जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। क्रांतिकारी चैनल बलविंदर जी, एक बात बताइए, अभी आदित्यनाथ योगी जी ने कहा था कि बजरंग बली जो है, हनुमान जी ने कहते हैं, वो दलित हैं, तो क्या वाकई में दलित हैं या ये क्या है विषय, उसको बताएं। देखिए, ये तो आलतू फालतू की बातें हैं, ये विषय को बदलने के लिए बात हुई अभी कहानी में, क्योंकि हमारे समाज के बुद्धिजीवी, और मैंने फेसबुक लाइव आके भी बोला था कि हमारे जो समाज के बुद्धिजीवी लगातार मंदिरों पर कब्जा करने की, एक पागल कुत्ते ने कुछ बोल दिया और उसके बाद हमारे समाज के लोगों ने मंदिरों पर कब्जा करना शुरू किया। बाबा साहब का क्या संदेश था कि आप संसद पे वो करो, कब्जा करो, आप लोग शिक्षा पे कब्जा करो, आप लोग रोजगार पे कब्जा करो, शिक्षण तो शिक्षा संगठन और क्या नाम है इसका संघर्ष चीज़ों की बात करी, और आप कहाँ जा रहे हो, जैसे पाखंडवाद की तरफ एक्सेप्ट जा रहे हो। कारण क्या था, उन लोगों ने ये जुमला इसलिए फेंका था, उसका एक मुख्य कारण एक, क्योंकि अभी हाल में चुनावों के अंदर ईवीएम गड़बड़ की शिकायतें आई और उसमें कुछ लोग पकड़े भी गए साफ, कुछ लोग चुनाव अधिकारी सस्पेंड भी हुए हैं, ये सबके सामने ये मुद्दा एक बड़ा ना बन जाए, इसलिए उन्होंने दलितों को बहलाने के लिए उन्हें एक नया जुमला फेंक दिया कि दलित यानी जो वो हनुमान वो दलित है, उससे हमारे समाज में थोड़ा सा हमारे जो बुद्धिजीवी खासकर उनके लिए मैं भाई होने के नाते एक निवेदन करूँगा, ये आलतू फालतू की बातें ना करें, सोशल मीडिया पर ना फैलाएं। बाबा साहब ने हमेशा पाखंडवाद से दूर रहने के लिए कहा, और अगर हम लोग मंदिरों पर कब्जा करेंगे तो कहीं ना कहीं हम फिर से पाखंडवाद की तरफ ही चले जाएंगे, तो हमें उस तरह से बचना हो। बड़ी मुश्किल से कई सालों के संघर्ष के बाद हमारे लोग धीरे धीरे पाखंडवाद से दूर आए, तो अपने समाज के बुद्धिजीवियों से कहना चाहूँगा कि आप लोग कृपया करके फिर से वो घंटा बजाने वाला काम बंद करें। बलविंदर जी, एक बात बताइए, आपने बहुत खूबसूरती से बताया कि पाखंडवाद को बाबा ने कभी प्रोत्साहित नहीं करा, लेकिन बहुत बड़ी बड़ी पार्टीज के नेता हैं, बहुत क्रांतिकारी युवा भी इस बात को बोलते हैं कि मंदिरों पर कब्जा कर लो, तो क्या है वो मंदिरों पर कब्जा क्यों कर लिया जाए? देखिए, या तो उन्होंने बाबा साहब को पढ़ा नहीं, मैं साफ कह रहा हूँ, या उन्होंने अपने जो ज्योति व फूले हैं सारी तरह जो हमारा बहुजनों का इतिहास है वो नहीं पढ़ा, या पढ़ के वो अज्ञानी बनना चाहते। मैं कुछ अपने आप को बुद्धिजीवी भी नहीं कह रहा, लेकिन आप अंदाज लगाइए जिस चीज़ का हमारे जो राष्ट्र, हमारे जो भगवान है जिन्हें हम भगवान की तरफ देखते हैं, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हमारे जो मुक्तिदाता हैं, उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया कि पाखंडवाद से दूर रहो, तो आप पाखंडवाद की तरफ जा क्यों रहे हो? मतलब सिर्फ आपको उस पर राजनीति करनी है, ताकि आप ये चाहते हो कि आपको बहुजनों के साथ साथ आपको सवर्ण भी आपके साथ, लेकिन ये चीज़ नहीं चल सकता कि सत्ता की चाशनी चाटने के लिए आप बहुजन का जो नारा है उसे हटा के आप सब, यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि आप सबकी बात यार पहले अपने परिवार अपने लोगों को सुधार लो, बाद में हम दूसरों को सुधारने की बात करेंगे। हमारे समाज इस टाइम स्थिति बहुत से बढ़ता है, उसे इस टाइम न्याय दिलाने की बात होनी चाहिए। हमें बार बार मैं यही कहूँगी कि हम लोगों को पाखंडवाद की तरफ नहीं जाना है, हमें अम्बेडकरवाद की तरफ जाना है। बार बार यही बात आती है कि आपको दो रास्तों में से एक रास्ता अपनाना है, या तो आप अम्बेडकरवादी हैं या आप मनुवादी हैं, आप दोनों नाव में पैर रख के नहीं चल सकते। ये हमारे समाज के जो नेता हैं या पॉलिटिकल पार्टी हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बलविंदर साहब कहा था कि ये ब्राह्मणवाद और पाखंडवाद से दूर रहें, और कहीं ना कहीं बहुजन समाज के लोग भी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भगवान के रूप में देखते हैं, तो क्या है वो भगवान है या क्या है वो पता है? यार देखिए, हम लोगों ने कभी अपने भगवान को तो देखा नहीं, इष्ट देवता को देखा है, किसी ने हमारे लिए इतना कुछ किया नहीं, हम लोग उन्हें मानते हैं, अपने दिल से मानते हैं। मैं पूछने की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ मानने की बात। यार एक व्यक्ति ने जहाँ आपके पीछे कोई, हम इतिहास पर बात करेंगे, गले में हाथ लिखे, वो हटा के आपको राजा रंग से राजा बनाने का अधिकार दे, वो मेरे लिए क्या हो? जिसने मेरे बहन बेटी की इज्जत सुरक्षा, मेरी इज्जत की सुरक्षा कर दी, वो मेरे लिए क्या होगा? जिसने मेरे बाप को सीना तान के चलने के लिए तैयार कर दिया, वो मेरे लिए क्या होगा? मेरे लिए वो भगवान से बढ़कर होगा, सीधी बात है। लेकिन मैं इस बात को कह रहा हूँ, जिस बाबा साहब, जिस हमारे महापुरुष ने ये बात कही कि हम लोगों को पाखंडी बात जो नीति है, जिसने हमें गुलाम बनाया, उससे दूर रहना, तो क्यों हम लोग उस तरफ फिर से जाएं? क्योंकि बड़ा संघर्ष किया, अगर ज्योति बाबा फूले साहब का बड़ा संघर्ष नहीं होता, अगर बाबा साहब के बच्चों कुर्बानी और उनका संघर्ष नहीं होता, अगर हमारे महापुरुषों का संघर्ष नहीं होता, क्या आज हम लोग इस हालत में होते? अगर बाबा साहब संविधान नहीं लिखते तो क्या हम लोग इस हालात में होते? आज भी हम लोग वही काम कर रहे होते जो हमारे पूर्वजों ने, तो जब हमारे पूर्वजों ने कुछ चीज़ को समझा दिया तो हम क्यों उसकी तरफ जाते? अगर हम उसके बाद भी हम उधर जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं कमी हमारे लोगों, तो हम लोगों को उसके लिए सुधारना।
आपके बलविंदर जी जिन्होंने बड़ी खूबसूरती से बताया कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एक मसीहा के रूप में दलितों को दलित्रता से दूर करने के लिए इस धरती पे जन्म लिया, वो भगवान नहीं और भगवान से कम नहीं। ऐसे में से बात करने की बात है।